इस्लाम जनाब सलमान हसन नदवी साहब السلام عليكم ورحمة الله وبركاته। थोड़ी देर के लिए खामोश रहिएगा, नारे न लगाइएगा, मेरी बात जरा तवज्जो के साथ सुन लीजिए। अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला मुहम्मदिन नबीयिल अमीन वअला आलिही الطيبين الطاهرين واصحابه الغر الميامين اما بعد। बिरादरान इस्लाम, मुसलमानों, मोमिनों, अल्लाह के बंदो, आखिरी नबी के उम्मतियों, उम्मत वाहिदा के नुमाइंदो, आज इस इमाम बारगाह के सामने जो इजलास मुनाकिद किया जा रहा है, अगर मुसलमानों को ये एहसास होता कि वो एक उम्मत है और अल्लाह की उलूहियत और रुबूबियत और मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खत्म नबूवत और कुरान पाक की हुज्जियत, उसका इस्तेनाद, अगर सबको ये बात मालूम होती कि ये तीन बुनियादें हैं इस्लाम की, जो अल्लाह को रब मानता है, जो मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को खातिमुन नबीयीन मानता है और जो कुरान पाक को पूरी इंसानियत के लिए किताब हिदायत मानता है, वो इस उम्मत का तर्जुमान है। बात उम्मत मुस्लिमा की हो रही है, बात शियों की और सुन्नियों की नहीं हो रही है। सारी मुसीबत यह है कि उम्मत को फिरकों में बांट दिया गया। यह उम्मत फिरकों में नहीं बांटी जा सकती है, यह उम्मत वो है जो उम्मत मुस्लिमा कहलाती है। कुरान पाक में अल्लाह ने बयान किया, हुआ सम्माकुमुल मुस्लिमीन मिन कब्ल वफी हाज़ा, अल्लाह ताला ने पहले भी तुमको मुसलमान कहा और इस कुरान पाक में भी तुमको इस्लाम और मुसलमान के लफ्ज से मौसूम किया। यह उम्मत मुस्लिमा है। अगर उम्मत मुस्लिमा को इस बात का सही एहसास होता कि हम एक उम्मत हैं, तो इस वक्त इस मकाम पर 10 लाख मुसलमान, कम से कम 10 लाख मुसलमान मौजूद होते, पूरी उम्मत यहाँ पर इकट्ठा होती, यहाँ एक महदूद तादाद न होती। ये सारी गलती इस वजह से है कि ये समझा जाता है कि फला इजलास शियों की तरफ से है और फला इजलास सुन्नियों की तरफ से है। याद रखिए, उम्मत में जो अल्फाज तफरीका पैदा करने का सबब बने, उन अल्फाज को किसी संदूकचे में डाल दीजिए और किसी दरिया में बहा दीजिए, वो अल्फाज जो इस उम्मत में तफरीक पैदा करते हैं, वो देवबंदियत या वरेलवियत के अल्फाज हो, वो मुकल्लिदियत या गैर मुकल्लिदियत के अल्फाज हो, वो सुन्नियत या शीयत के अल्फाज हो, ये सारे अल्फाज इसलिए हैं कि ये जोड़ पैदा करें या तारुफ करें। अगर इनके जरिए तफरीक पैदा हो या फिरका बंदी पैदा हो, तो ये अल्फाज हराम है, इनका इस्तेमाल जायज नहीं है। कुरान ने हमको उम्मत मुस्लिमा कहा है और हमको अपना तारुफ इसी हैसियत से कराना है। ये वो बात है जो मैंने तेहरान की यूनिवर्सिटी में सदर जम्हूरी ईरान शेख हसन रूहानी के नुमाइंदे डॉक्टर अली यूनिसी के सामने, और जबकि तमाम बड़े बड़े शिया और सुन्नी उलमा जमा थे, मैंने उनसे ईरान में ये बात कही कि ये अल्फाज जिनसे फिरके का तासुर पैदा होता है, इन अल्फाज को किनारे डाल दीजिए और जब खिताब कीजिए तो उम्मत मुस्लिमा की बुनियाद पर खिताब कीजिए। अगर हमने आज ये फैसला लखनऊ की सरजमीन पर कर लिया, तो खुदा की कसम लखनऊ से एक नई तारीख शुरू होगी और ये तारीख पूरे आलम इस्लामी पर गालिब आएगी। याद रखिए कि किसी ने कहा था, खुदा शर्रे बरंगेजत के खैरे मां दरा बाशद, एक शर और शर का नुमाइंदा वसीम रिजवी है,
जिसको ये नहीं मालूम था कि जब वो ये बकवास बकेगा और जब वो कुत्तों की तरह भौंकेगा तो इसका रद्दअमल ऐसा होगा कि सुन्नी और शिया अब अपने इन अल्फाज से बालातर होकर ऐलान से कहेंगे वा अन्ना हाज़िही उम्मतुकुम उम्मतन वाहिदा, ये तुम्हारी एक उम्मत है और इस उम्मत में तफरीके का जवाज नहीं। वअतसिमू बिहब्लिल्लाहि जमीअन वला तफर्रकू, अल्लाह की रस्सी से को मिलकर मजबूती से थाम लो और तफरीके पैदा मत करो, फिरका बंदियां मत करो, सब मिलकर एक रस्सी को जो अल्लाह के दीन की है मजबूती से थाम लो। अल्लाह ने यह फरमाया था वला तकूनू कल्लज़ीन तफर्रकू वख्तलफू मिन बादि मा जाअहुमुल बय्यिनात वउलाइका लहुम अज़ाबुन अज़ीम, उन लोगों की तरह मत बनो जो फिरकों में तब्दील हो गए, जिन्होंने आपस में अपने को एक दूसरे से जुदा कर लिया और इख्तलाफात पैदा किए, उनकी तरह मत बनना जबकि उनके सामने दलीलें आ चुकी थी। उनको अल्लाह की तरफ से संगीन अजाब दिया जाएगा, ये अल्लाह की तरफ से ऐलान है, इसलिए फिरका बंदियों का खात्मा किया जाता है। और आज से जो शिया कहलाते हैं, जो सुन्नी कहलाते हैं, सुन ले कि पूरी उम्मत शिया है और पूरी उम्मत अहले सुन्नत है, इसलिए कि अल्लाह ताला ने कुरान पाक में फरमाया वइन्ना मिन शियातिही लइब्राहीम, हजरत इब्राहिम नूह के शिया थे, कुरान खुद कहता है हजरत इब्राहिम नूह के शिया थे। इस माने में अगर लफ्ज शिया इस्तेमाल किया जाए तो हम सब मुसलमान शिया हैं। और दूसरी तरफ अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि अलैकुम बिसुन्नती, फरमाया कहीं पर तरक्तु फीकुम अमरैन लन तदिल्लु मा तमस्सकतुम बिहिमा किताब अल्लाही व सुन्नती, मैंने दो चीजें तुम्हारे दरमियान छोड़ी है, अगर उनको मजबूती से थामे रहोगे तो हरगिज गुमराह नहीं होगे, एक अल्लाह की किताब और एक मेरा तरीका। जाहिर है कि कोई शिया हो या सुन्नी हो ये नहीं कह सकता कि हुजूर पाक अलैहिस्सलाम का तरीका हमें नहीं चाहिए, इस एतबार से सुन्नत रसूल पूरी उम्मत मुस्लिमा पर हुज्जत है। लकद कान लकुम फी रसूलिल्लाह उस्वतुन हसना, ए लोगो तुम्हारे लिए अल्लाह के रसूल की जात में बेहतरीन नमूना मौजूद है। अल्लाह ने फरमाया या अय्युहल्लज़ीन आमनू अतीउल्लाह व अतीउर रसूल व उलिल अम्र मिनकुम, ईमान वालों अल्लाह की इताअत करो और रसूल की इताअत करो, और जो तुम्हारे दीनी उमूर के जिम्मेदार हो उनकी इताअत करो। फरमाया वमा अरसलना मिन रसूलिन इल्ला लियुताअ बिइज़्निल्लाह, हमने जो भी रसूल भेजा इसीलिए भेजा कि अल्लाह के हुक्म से उसकी बात मानी जाए, उसकी इताअत की जाए। इसलिए पूरी उम्मत अहले सुन्नत भी है, पूरी उम्मत अहले हदीस भी है, पूरी उम्मत अहले कुरान भी है, जब निस्बत को अपने सही मानों में लिया जाएगा। और अगर अहले सुन्नत तफरीक के लिए है और शिया तफरीक के लिए है तो न वो जायज है न ये जायज है, एक पहलू से सब के सब शिया और सब के सब अहले सुन्नत है, और एक पहलू से जब ये अल्फाज तफरीक पैदा करें तो जायज नहीं है। उस वक्त जो अल्लाह ने हमको लकब दिया है हुवा सम्माकुमुल मुस्लिमीन, अल्लाह ने तुम्हारा नाम मुस्लिम रखा है, मुस्लिम रखा है, अपना तारुफ कराइए तो कहिए हम मुस्लिम हैं। और फिर नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हज्जतुल वदा जो सन 10 हिजरी में हुआ उससे वापस आते हुए गदीर खुम के मकाम पर 18 जिलहिज्जा की तारीख में तकरीबन 40-50 हजार सहाबा को हुक्म फरमाया कि वो यहाँ ठहरे, और उसके बाद जोहर की नमाज हुई, फिर आपने खिताब फरमाया और सैयदना अली इब्न अबी तालिब अमीरुल मोमिनीन अलैहि सलाम को अपने करीब खड़ा किया और उनका हाथ पकड़ा, और उसके बाद 30-40 हजार 50 हजार सहाबा को मुखातब करके इरशाद फरमाया तरक्तु फीकुम सकलैन लन तदिल्लु मा तमस्सकतुम बिहिमा किताब अल्लाह व इत्रती अहल बैती, ए सुन लो ए मुसलमानों, मैं तुम्हारे दरमियान दो भारी जिम्मेदारियां छोड़कर जा रहा हूं, एक अल्लाह की किताब और दूसरे मेरे अहले बैत, अल्लाह की किताब और मेरे अहले बैत,
حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے حضرت علی کے بارے میں فرمایا کہ علی تم میرے لیے ایسے ہو جیسے موسیٰ کے لیے ہارون تھے. جو مقام حضرت ہارون کو دیا گیا حضرت موسیٰ کے ساتھ, حضرت رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا علی تم میرے لیے ہارون کی طرح ہو. اور اسی طرح آپ نے فرمایا تھا اسی موقع پر, من کنت مولاہ فعلی مولاہ, میں جس کا ولی ہوں میں جس کا ولی ہوں علی اس کے ولی ہے, نبی جس کے ولی علی اس کے ولی. یہ اعلان آپ نے 40-50 ہزار صحابہ کے درمیان فرمایا. جو اہل سنت نہیں جانتے یا بھول گئے ہیں یا بھولتے ہوئے بنتے ہیں انہیں معلوم ہونا چاہیے کہ اہل سنت محدثین کبار نے اس حدیث کو متواتر کہا ہے, قطعی صحیح کہا ہے, اس حدیث میں کوئی تردد نہیں ہے. اس لیے پوری امت مسلمہ کو اس حدیث کو ماننا ہے اور تسلیم کرنا ہے. پوری امت مانتی ہے کہ حضرت علی کو جو مقام عطا فرمایا گیا وہ مقام کسی اور کو نہیں ملا, یہ خاص مقام ہے جو اللہ نے دیا ہے. ابوبکر صدیق کا مقام ہے, عمر فاروق کا مقام ہے, عثمان ابن عفان کا ایک مقام ہے. اور نبی نے فرمایا تھا علیکم بسنتی وسنت الخلفاء الراشدین المہدیین من بعدی عبدو علیہ بن نواجد. لیکن حضرت علی کے بارے میں فرمایا من کنت مولاہ فعلی مولاہ, وہ ولی المومنین ہیں, وہ مسلمانوں کے ولی ہیں, یہ ان کو مقام دیا گیا. اور فاطمۃ الزہرا علیہ السلام کے لیے اللہ کے رسول نے فرمایا کہ فاطمہ تمام خواتین جنت کی سردار ہیں, یہ مقام ان کے لیے طے ہوا. وہ فرمایا الحسن والحسین سیدا شباب اہل الجنہ, حسن اور حسین جنت کے تمام جوانوں کے سردار ہیں. یہ وہ مسائل ہیں جن میں کوئی اختلاف اہل تشیعوں میں ہے نہ اہل سنت میں, یہ متفق علیہ مسائل ہیں. اور ان مسائل کی بنیاد پر پوری امت کو متفق ہو کر یہ اعلان کر دینا چاہیے کہ قرآن برحق ہے, اس کا لفظ لفظ برحق ہے, حرف حرف برحق ہے, زبر زیر پیش برحق ہے. اور بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین سے جو کلام شروع ہوتا ہے وہ سورۃ الناس پر من الجنت والناس پر ختم ہوتا ہے. یہ اس کی ترتیب ہے جو رسول پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمائی, اور اس کی ایک وہ ترتیب ہے جو نزولی ترتیب ہے جس میں اقرا بسم ربک الذی خلق پہلی آیت کریمہ ہے, اور اس کے بعد پھر دوسری صورتیں نازل ہوتی رہیں, وہ ایک ترتیب ہے. اس لیے آج جب ہم یہ اعلان کرتے ہیں کہ وسیم مرتد ہے کافر ہے, آج ہم جب یہ اعلان کرتے ہیں کہ وسیم مرتد ہے اور کافر ہے, اور ساتھ ہی ساتھ یہ اعلان بھی کرتے ہیں کہ حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی جو حدیثیں واضح طور پر بیان کی گئی ہیں ان کے بارے میں جو ادھر ادھر کی باتیں کرتا ہے وہ ناسبی ہے, منافق ہے, مجرم ہے. وہ باتیں جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے صفائی سے فرما دی ہمیں ان کو تسلیم کرنا ہے اور انہی کی روشنی میں چلنا ہے. اب علاج کیا ہے؟ اے میرے بھائیوں میں آپ سے کہتا ہوں علاج یہ ہے کہ رمضان المبارک میں قرآن اتارا گیا اور رمضان آنے والا ہے, طے کر لیجئے, پورا مجمع طے کر لے کہ اب بچہ بچہ قرآن کا حافظ ہوگا. طے کر لیجئے کہ رمضان میں مسجدوں میں قرآن پاک کی صبح سے شام تک تلاوت ہوگی, راتوں میں تلاوت ہوگی, اور قیام اللیل کا اہتمام ہوگا. اور میں کہتا ہوں کہ شیعہ سنی مسجدوں کے فرق کو مٹا دیجئے, ہر مسجد اللہ کی ہے. وَأَنَّ الْمَسَاجِدَ لِلَّهِ فَلَا تَدْعُوا مَعَ اللَّهِ أَحَدًا, مسجد اللہ کی ہے, کسی کی جائیداد نہیں ہے, اس لیے اللہ کے ساتھ کسی اور کو مت پکارو, کسی اور کی دہائی مت دو. اعلان کر دیجئے لکھنؤ میں ہر مسجد میں انشاءاللہ رمضان المبارک میں تلاوت کے حلقے لگیں گے, اور قرآن پاک کی تلاوت اور حفظ اور تجوید کے انعامی مقابلے رمضان بھر منعقد کیے جائیں گے. یہ اعلان کیا جائے, اور ہر مسجد میں قیام اللیل کا
एहतमाम किया जाएगा। ये चंद बातें अगर हम लोग तय कर लेंगे और हर गैर मुस्लिम तक कुरान पाक के तर्जमे को पहुंचाया जाएगा कि यह हिदायतनामा पूरी इंसानियत के लिए है, सिर्फ किसी कौम के लिए नहीं है, तो हम असल जवाब इंशाअल्लाह हर गुमराह को दे देंगे और सिरात मुस्तकीम वाज़ह कर देंगे। वाखिर दावाना।